मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको वन ड्राइव में सेव करना बताऊंगी। मैं फाइल मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ सेव एज ऑप्शन पे आऊं तो सबसे ऊपर ऑप्शन वन ड्राइव का है। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से असाइन की जाती है और ये 5 GB फ्री स्पेस होती है जो हमें दी जाती है। अगर हमें इससे ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं और पे करके ज्यादा स्पेस हासिल कर सकते हैं। अब वन ड्राइव में सेव करने का फायदा क्या है अगर हम अपने कंप्यूटर में ही आराम से सेव कर लेते हैं? अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव में सेव करते हैं तो हम उसको कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम एक ही वर्कशीट पे एक से ज्यादा जगहों पे काम करना पड़ता है, हम उस पे काम घर में भी कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में भी उसी वर्कबुक पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए या तो हम अपने डाटा को USB में कैरी करते हैं। लेकिन अगर हम USB कहीं भूल जाते हैं या हमारी USB गुम हो जाती है तो हमारा वर्क जाया हो जाता है। लेकिन अगर हम वन ड्राइव में सेव करते हैं तो हम उसको कहीं पे भी ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं और उस तरह से हमारा डाटा जाया नहीं होता, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में सेव होता है। और अगर हमारी हार्ड डैमेज हो जाए किसी वजह से या हमारा सिस्टम खराब हो जाए तो भी हमारा डाटा सेव रहता है। इसलिए जो बहुत जरूरी डाटा है, बेहतर यही है कि आप उसको वन ड्राइव में सेव कर लें। वन ड्राइव में सेव करने के लिए मैं इस ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। कुछ देर लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ मेरे पास तमाम ड्राइव मौजूद हैं और इस वक्त डेस्कटॉप सिलेक्ट है। मैं यहाँ से वन ड्राइव सिलेक्ट करूंगी। जब मैं वन ड्राइव सिलेक्ट करूंगी तो ऑलरेडी अगर मेरे वन ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट मैंने सेव किए हुए हैं तो वो यहाँ शो हो रहे होंगे। और यहाँ बुक वन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको सेव अभी तक नहीं किया। मैं इस अपने डॉक्यूमेंट को जिसे मैं सेव करना चाहती हूँ कोई भी नाम देकर सेव कर सकती हूँ। मैं इसे अपनी मर्जी का नाम दे दूंगी। जब आप फर्स्ट टाइम वन ड्राइव में साइन इन होंगे, जब फर्स्ट टाइम आप वन ड्राइव को यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके पास वन ड्राइव की विंडो नहीं आएगी, बल्कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, नेम, फोन नंबर और इस तरह से कुछ जरूरी डिटेल मांगेंगे। आप जब उस डिटेल को फिल करके ओके करेंगे तो आप वन ड्राइव में लॉगिन हो जाएंगे। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड की गई फैसिलिटी है। और अगर आप वन ड्राइव में अपने डाटा को सेव करने के बाद उसको शेयर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास हॉटमेल या आउटलुक अकाउंट हो। हॉटमेल या आउटलुक आईडीज माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज हैं। आप उनमें से चाहे तो अपना हॉटमेल आईडी बना लें, चाहे आउटलुक आईडी बना लें और आप उससे इजीली अब वन ड्राइव के वर्क को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हॉटमेल या आउटलुक का अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल आईडी से भी वन ड्राइव में लॉगिन हो सकते हैं और अपने वर्क को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीमेल आईडी से वन ड्राइव में लॉगिन होकर अपने वर्क को सेव करेंगे तो जब आप उसको शेयर करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको सेव करने और उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जीमेल आईडी यूज करते हैं। मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में लॉगिन हूं, इसलिए मैं लॉगिन होकर नहीं बता सकती, क्योंकि जब एक दफा आप लॉगिन हो जाते हैं तो वो दोबारा बार बार आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता बल्कि डायरेक्ट आपके पास वन ड्राइव आ जाती है। अब मैं अपने फाइल को वर्क का नाम दे दूंगी और अगर मैं नीचे आऊं तो मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं। इसमें एक्सेल वर्कबुक है, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक है, XML डाटा है, PDF है। यहां से मैं किसी भी फॉर्मेट में अपने वर्क को सेव कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसे एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव करूंगी और वर्क नाम से सेव कर लूंगी। तो मैं यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी ये वर्कशीट वन ड्राइव में सेव हो गई। अब आप ऊपर देखें तो यहाँ बुक वन की जगह वर्क शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसे वर्क नाम से सेव किया है। अगर मैं चेक करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊंगी, सेव एज में आऊंगी,
वन ड्राइव सिलेक्ट करके ब्राउज पे क्लिक करूंगी और यहां से वन ड्राइव के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी कि ये तो आप देखें वर्क नाम से मेरी ये वर्कशीट यहां पे सेव हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे कंप्यूटर में ही है वन ड्राइव का ऑप्शन और अगर मैं इसे किसी दूसरी लोकेशन पे ओपन करना चाहूं तो कैसे करूंगी, तो उसके लिए आपको अपने वन ड्राइव अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। आप अपने कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, अगर आप गूगल यूज कर रहे हैं, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप जो ब्राउजर भी यूज करते हैं आप उसके जरिए वन ड्राइव में लॉगिन हो सकते हैं। मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देती हूँ और अपने गूगल को ओपन करती हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं सर्च बार में वन ड्राइव लॉगिन और क्लिक करूंगी तो यहां मेरे पास सबसे ऊपर जो विंडो आएगी साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहां वो मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। अगर तो मेरे पास वन ड्राइव का अकाउंट है तो मैं यहां अपना ईमेल आईडी देकर नेक्स्ट करूंगी और अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं क्रिएट वन पे क्लिक करूंगी। मैं यहां अपनी ईमेल आईडी देती हूं और ईमेल आईडी लिखने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगी और नेक्स्ट करने के बाद मैं यहां पासवर्ड दूंगी और साइन इन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये ऑनलाइन मेरी वन ड्राइव खुल चुकी है। वर्क नाम से ये मेरी फाइल मौजूद है जो मैंने वन ड्राइव में सेव की थी और अगर मैं यहां से इसे शेयर करना चाहूं तो शेयर भी कर सकती हूं। और अगर आप अपने कंप्यूटर के अलावा किसी और कंप्यूटर से या अपने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर से या अपने ऑफिस के कंप्यूटर से अपने उस वर्क को ओपन करना चाहते हैं जो आपने वन ड्राइव में सेव किया है तो आप किसी भी ब्राउजर से वन ड्राइव में लॉगिन होकर उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरा वर्क ऑनलाइन ओपन हो चुका है। मैं इस पे वर्किंग कर सकती हूँ, इसकी एडिटिंग कर सकती हूँ और इस पे जो वर्क करना चाहूं कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।